वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। टॉम हैंक्स के बाद कौन से दो और हॉलीवुड एक्टर्स हुए कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड? तारा सुतारिया कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इन एक विलन 2? किस वीडियो से कैटरीना कैफ कर रही हैं सभी को इंस्पायर? हाय सारा, वेयर आर यू? नमस्ते दर्शकों, हम पहुंचे हैं बनारस के विश्वनाथ कैंपस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियां मिल रही हैं। यस, मैनी कलरफुल बैंगल्स, प्लीज आती रहिए। बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम हाँ दही यहाँ पे मिल रहा है। दही, यस यू हर्ड, दैट इज कर्ड। प्लीज क्या ये बाइक है? जैसे कि आप देख सकते हैं गली में बाइक जा रही है। ये देखिए यहाँ पे ट्रिंकेट्स, एज यू कैन सी, ये एक बड़ी सी दुकान आ गई है। अनलाइक द वाइब ऑफ द गली विद मल्टी कलर चूड़ीज, सारा अली खान बनारस जाकर बन गई एक टूर गाइड और वहाँ की एक गली के दर्शन करवाए अपने सभी फैंस को। ये एक बड़ी सी दुकान आ गई है अनलाइक द वाइब ऑफ द गली विद मल्टी कलर चूड़ीज, आपको इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि सारा अली खान फ्रीली बनारस की गलियों में घूम रही है विदाउट सिक्योरिटी एंड शी इज हैविंग अ वेरी गुड टाइम। हाय सारा, वेयर आर यू? नमस्ते दर्शकों, हम पहुंचे हैं बनारस के विश्वनाथ कैंपस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियां मिल रही हैं। यस, मैनी कलरफुल बैंगल्स, प्लीज आती रहिए। बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम हाँ दही यहाँ पे मिल रहा है। दही, यस यू हर्ड, दैट इज कर्ड। सारा अली खान को आसपास मौजूद लोग देख रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें लोगों ने पहचाना नहीं। सारा अली खान अपनी मॉम अमृता सिंह के साथ बनारस पूजा के लिए पहुंची हैं और उनकी ये कुछ खास पिक्चर्स सोशल मीडिया पर फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। मुंबई से बनारस रवाना होते हुए भी हमने एयरपोर्ट पर सारा अली खान को स्पॉट किया था। यहाँ सारा अली खान के मुंह पर था मास्क, लेकिन बनारस पहुंचकर सारा अली खान हो गई है फ्री एंड शी इज एंजॉयिंग हर टाइम इन बनारस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियां मिल रही हैं। यस, मैनी कलरफुल बैंगल्स, प्लीज आती रहिए। बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दही यहाँ पे मिल रहा है। दही, यस यू हर्ड, दैट इज कर्ड। वैसे सारा अली खान अक्सर ये गाइड का अवतार लेती रहती हैं। इससे पहले अपने अमेरिका टूर के दौरान भी सारा अली खान बन गई थी टूर गाइड। नमस्ते दर्शकों, आप सब आ गए हैं हमारे साथ इस पानी के पास। बहुत ही फोन दीजिए इप्सा जी, बहुत ही सुंदर ब्रिज भी है, पुल जिसे कहते हैं स्पाइडरमैन भी दर्शाई गई थी यहीं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को इसी पुल के आसपास छोड़ा था। सारा अली खान सोशल मीडिया पर फैंस को करती हैं खूब एंटरटेन और उनके ये वीडियोस हैं इस बात का सबूत कि वो भी इसे करती हैं खूब एंजॉय। नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है वॉच विद सारा पर। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुबह है, दोपहर हो गई है, एक्चुअली अभी 1 बज रहे हैं। हम सेंट्रल पार्क में हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत लोग हमारे साथ हमारी तरह चल रहे हैं, घोड़े इत्यादि। बहुत ही सुंदर दिन है, सूरज की किरणें हम पर
बहुत ही अच्छी तरह गिर रही है, जिसका आनंद इफ्ता और मैं उतार रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। कोरोना वायरस स्केयर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में हर काम पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब बॉलीवुड एक्टर्स अपने बिजी लाइफ में अचानक मिले टाइम को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं एंड शी सीम्स टू बी एंजॉयिंग हर टाइम विद हबी डियर अक्षय कुमार। पहली पिक्चर में ट्विंकल खन्ना अकेली बैठी हुई हैं विद अ स्वीट स्माइल। वहीं इन द सेकंड फोटो ट्विंकल कैन बी सीन सिटिंग कंफर्टेबली ऑन अ स्विंग व्हाइल शी रेस्ट्स हर फीट ऑन अक्षय'स लैप। अक्षय कैन बी सीन क्लैड इन अ कूल ट्रैक सूट व्हाइल ट्विंकल इज सीन स्पॉटिंग अ गॉर्जियस ग्रीन आउटफिट। इस पिक्चर को देखकर साफ लग रहा है कि ट्विंकल इज एंजॉयिंग हर टाइम विद अक्षय कुमार। Twinkle first shared both the pictures and captioned the photo as, "When you can't grin and bear it, then it's time to have a gin to bear it. Or at least, that's what I tried to do this Sunday. I read something very interesting as well yesterday. We should not worry about getting the virus, but we should modify our behavior as if we already have it and don't want to infect others, as that is the only way to contain it." खन्ना ने एज यूजुअल अपने खास अंदाज में फैंस को मैसेज भी दिया है टू स्टे इंडोर्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। वैसे ट्विंकल खन्ना जहां अक्षय कुमार के साथ टाइम एंजॉय करके कोरोना वायरस को टक्कर दे रही हैं, वहीं दीपिका पादुकोण ने अपने वार्डरोब को ठीक करने का डिसीजन लिया है टू यूटिलाइज हर टाइम। दीपिका पादुकोण ने अपनी ड्रेसेस की इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "Productivity in the time of COVID-19. वैसे दीपिका पादुकोण कुछ ही समय में रणवीर सिंह के साथ मिलकर फिल्म 83 का प्रमोशन शुरू करने वाली थी, लेकिन कोरोना स्केयर की वजह से फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है और दीपिका पादुकोण स्पेंड कर रही हैं सम मी टाइम। वैसे पूरा बॉलीवुड इस वक्त लोगों से यही अपील कर रहा है कि सभी को क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचना चाहिए और खुद को सेफ रखना चाहिए। देखिए कैसे सेलेब्स ने की है फैंस से अपील। Hey guys, what's up? So I'm self-quarantining like most people here in Mumbai City and only getting out for the essential work that I have for Coolie Number One. So I said, let me go live, absolutely live on Instagram. Answer some fun questions. You can tell me what you've been doing with this time. I'll tell you what I've been doing with my free time and essentially spending some time with my family and my loved ones, and hopefully you're doing that. Keep them safe. I just ate some dal. I'm going to go to bed and I'm going to see you guys tomorrow. Ciao. बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कोरोना वायरस का? नहीं नहीं डरा भी नहीं। क्यों भाई? नेचुरल है ना। कोरोना हम लोग से डरता है। इधर वरुण भाई, इधर भी भाई, ग्रेट लुक भाई। कुली सो कैट, नाउ दैट वी आर स्टक एट होम, व्हाट शुड वी डू? Well, you can't leave me ever. So I think everyone knows that now that the government has said that most of the gyms are going to be shut now for some time, I still think that we can, you know, do a workout at home. We can do a small workout at home, maybe 20-25 minutes. You don't have to stress your body, but even a little bit of workout is really good for your immunity. It also keeps your endorphins up at a time where there's a lot of fear and anxiety around. Be positive, be happy. So here, guys, is a routine that you can do at home for 20 minutes that will make you happy. कैटरीना कैफ कर रही हैं अपने फैंस को इंस्पायर विद दीज वर्कआउट वीडियोस। कैटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर किए हैं कुछ वीडियोस जिसमें वो फैंस को बताती नजर आ रही हैं कैसे घर बैठे वो कर सकते हैं एक्सरसाइज, एस्पेशली कीपिंग इन माइंड कि कोरोना वायरस स्केयर की वजह से जब वो घर के बाहर नहीं जा सकते। कैटरीना कैफ ने इन वीडियोस को शेयर करते हुए लिखा है, कैटरीना कैफ #workoutathome can't go to the gym, so sharing the workout that yes and I did at home.
Stay safe and be active if you can. कैटरीना कैफ फैंस को साफ बता रही हैं कोरोना वायरस स्केयर की वजह से वो जिम नहीं जा रही हैं और घर में ही वो एक्सरसाइज करके प्रिकॉशन ले रही हैं और फैंस को भी इसी तरह घर में रहना चाहिए एक्टिव। कैटरीना कैफ ने पूरी तरह से अपनी एक्सरसाइज रूटीन को भी शेयर किया है जो हो सकता है काफी हेल्पफुल फॉर कैटरीना कैफ फैंस। कैटरीना ने 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज को इन वीडियोस में दिखाया है। देखिए इन सारे वीडियोस को एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कैटरीना। इससे पहले भी कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स पोस्ट करते हुए लिखा था, कैटरीना कैफ, होप एवरीवन इज स्टेइंग सेफ, प्लीज फॉलो ऑल प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स एज रेकमेंडेड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल्स, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन हेल्प योर बॉडीज इम्यून सिस्टम, कीप योर एनवायरमेंट क्लीन एंड हैप्पी। Also, I think I'm going to be singing in this film, which is something I've been looking forward to doing. So finally, I'm going to get to do that. So I'm very excited. You know, I think our industry is a very strong and tough industry, and we will come through no matter what, ma'am. So I think we will definitely go from strength to strength. Tara Sutaria film Ek Villain 2 mein nazar aayengi with actors like John Abraham, Aditya Roy Kapoor, and Disha Patni. तारा इस फिल्म में प्ले कर रही हैं एक सिंगर का रोल और इस फिल्म में मिले बड़े ब्रेक पर तारा सुतारिया का कहना है, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, आल्सो आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिंगिंग इन दिस फिल्म, व्हिच इज समथिंग आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग, सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट टू डू दैट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वेल, तारा सुतारिया है एक प्रोफेशनल सिंगर और यही वजह है उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला है। और तारा सुतारिया की फिल्म में कास्टिंग को लेकर फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू गेट द न्यूएंसेस ऑफ अ म्यूजिशियन, बट लकीली फॉर मी तारा हैज बीन ट्रेनिंग फॉर दिस ऑल हर लाइफ, व्हाट मोर कैन अ फिल्म मेकर आस्क फॉर, अ न्यू एज अनइनहिबिटेड वॉइस व्हिच कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय कैरेक्टर नीड्स इन द फिल्म। सुतारिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और फिर मरजावा में अपनी एक्टिंग से एक छाप छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी खुद को तारा को इंडस्ट्री में प्रूव करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है। यही वजह है कि तारा को एक विलन 2 में अपनी काबिलियत दिखाने का एक बड़ा मौका मिलेगा, स्पेशली जब फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी को है उनसे काफी उम्मीदें। वैसे तारा को स्पॉट किया गया था इस फैशन इवेंट पर, उन्होंने कोरोना वायरस स्केयर को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा, वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री सो आई डोंट नो अबाउट द इफेक्ट्स पर से सो आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट दैट बट आई थिंक दैट लाइक आई सेड यू नो वी आर अ वेरी टफ इंडस्ट्री एंड वी आर द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड यू नो वी आर बॉम्बे वी आर बॉलीवुड वी आर बैक एंड वी आर गोना कम बैक विद अ बैंग। Well, like Tara, everyone is hoping कि इंडस्ट्री coronavirus के बाद करे एक जबरदस्त वापसी। But for the time being, all the big production houses, 2 theater chains ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस मुश्किल की घड़ी में इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ खड़ी है। We just hope ये मुश्किल जल्द से जल्द खत्म हो। Very, very
I don't know about the effects per se, so I wouldn't want to talk about that. But I think that, like I said, you know, we are a very tough industry, and we are the world of Bollywood, you know. We're Bombay, we're Bollywood, we are back, and we're going to come back with a bang. Are you avoiding traveling? I think we all need to be safe and secure, so yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Coming up on the show, किस डैड डॉटर डुओ को साथ देखना चाहते हैं फैंस ऑन सिल्वर स्क्रीन? डैड और डॉटर डुओ सैफ अली खान और सारा अली खान को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर बहुत सारे फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन क्या सैफ अली खान और सारा अली खान इसके लिए हैं तैयार? Well, सैफ अली खान का कहना है वो सारा अली खान के साथ एक फिल्म पर काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी इसके लिए है एक बड़ी शर्त। सैफ अली खान का कहना है कि सारा अली खान के साथ वो काम करेंगे जब उन्हें मिलेगी एक अच्छी स्क्रिप्ट, और साथ ही ये कोई गिमिक नहीं होना चाहिए, लाइक डैड एंड डॉटर को साथ ले आए जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। यही नहीं, सैफ अली खान ने क्लैरिफाई किया है कि वो रखना चाहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल ही अलग। सैफ अली खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, आई वुड लव टू, but it will have to be a very special script. I think both of us would like to avoid gimmicks. I am sure that given the right director and script, it can be great. I always make a very clear distinction between my family and career. They are both separate. I never think that I should work with my wife, Kareena Kapoor Khan, or my mother, Sharmila Tagore. In the future as well, I would like to maintain that. Well, सैफ अली खान का फंडा है बिल्कुल ही क्लियर। वो रखना चाहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग। इससे पहले भी जब सैफ अली खान ने फिल्म जवानी जाने मन पर काम शुरू किया था, तब भी सैफ से पूछा गया था क्या अलाया एफ की जगह सारा अली खान नहीं होती इस रोल के लिए परफेक्ट, जिस पर सैफ अली खान ने अलाया एफ की तारीफ की थी और कहा था इस फिल्म के लिए अलाया एफ है परफेक्ट चॉइस। I don't know, I think it's a new generation thing. They are so prepared compared to us when we started. Like, I felt like I was working with the best I've ever worked with. I mean, like, I've worked with Shah Rukh Khan and it's been like amazing. I felt the same energy with her. I'm telling you, it was unbelievable. Like the best ever. Nothing. We've done a 6-minute scene in one shot. No problem from her side. It's been incredible. वैसे सैफ अली खान सारा अली खान के साथ शेयर करते हैं अ ग्रेट बॉन्ड, और सैफ को लगता है कि सारा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड शी विल ऑलवेज टेक स्मार्ट डिसीजंस। बात करें सारा अली खान के फिल्मी करियर की, तो लव आजकल की खराब परफॉर्मेंस से सारा अली खान को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन वो अब पूरी तरह से मूव ऑन करके अपनी फिल्म कूली नंबर वन पर फोकस कर रही हैं। वेल, सारा अली खान है एक अच्छी एक्ट्रेस, और अगर सैफ अली खान के साथ उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो फैंस के लिए होगी ये गुड न्यूज। लेकिन आज सैफ अली खान सेड उन्हें इंतजार रहेगा एक अच्छी स्क्रिप्ट का। टॉम हैंक्स के बाद दो और हॉलीवुड एक्टर्स हुए कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड। इद्रिस एल्बा और क्रिस्टोफर हेव्यू ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बताया दे आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। सबसे पहले इद्रिस एल्बा ने एक वीडियो शेयर किया। Hey, what's up guys? So look, this morning I got some test results back for coronavirus and it came back positive. Yeah, and it sucks. Listen, I'm doing okay. Sabrina hasn't been tested and she's doing okay. I didn't have any symptoms. I got tested because I realized I was exposed to someone who had also tested positive.
I found out last Friday that they were tested positive. I quarantined myself and got a test immediately and got the results back today. Look, this is serious, you know? Now's the time to really think about social distancing, washing your hands. Beyond that, there are people out there who aren't showing symptoms and that can easily spread it, okay? So now's a real time to be really vigilant about washing your hands and keeping your distance, okay? We've told our families, they're very supportive. We've told our colleagues, and you know, transparency is probably the best thing for this right now. If you're feeling ill or you feel like you should be tested or you've been exposed, and do something about it, all right? It's really important. Look, we live in a divided world right now. We can all feel it. It's been bullshit. But now's the time for solidarity. Now's the time for thinking about each other. There are so many people whose lives have been affected, from those who have lost people that they love to people that don't even have it and have lost their livelihoods. This is real, all right? I just wanted to share my news with you guys, and I will keep you updated as how I'm doing. But so far, we're feeling okay. All right, man. Stay positive and don't freak out. इस वीडियो के साथ इद्रिस एल्बा ने एक मैसेज भी पोस्ट किया और लोगों से अपील की कि वो पैनिक ना करें। This morning, I tested positive for COVID-19. I feel okay. I have no symptoms so far, but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home, people, and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing. No panic. वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स फेम एक्टर क्रिस्टोफर हिव्यू ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आई के हिव्यू ग्रीटिंग्स फ्रॉम नॉर्वे, सॉरी टू से दैट आई टुडे हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 कोरोना वायरस. My family and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health. I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis. So I urge all of you to be extremely careful. Wash your hands. Keep 1.5 meters distance from others. Go in quarantine. Just do everything you can to stop the virus from spreading. Together, we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other. Keep your distance and stay healthy. Please visit your country's Center for Disease Control's website and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community and especially those at risk, like the elderly and people with pre-existing conditions. At @GrimeOlverHivyu, #FightCorona, #Solidarity, #TakeCare, #FolkHealthSayInstitute, thanks to @PanoramaAgency. कोरोना वायरस यूएसए से लेकर यूरोप में काफी बुरी तरह से फैल चुका है. आम लोग ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन और सेलिब्रिटीज भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं. इससे पहले टॉम हैंक्स ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी को बताया था कि वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं. वैसे राहत की बात ये है कि अब टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ रीटा विल्सन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उन्हें घर में ही रहने की सलाह दी गई है. टॉम हैंक्स ऑस्ट्रेलिया में अपनी फिल्म के प्री प्रोडक्शन वर्क के लिए गए थे. टॉम हैंक्स सोशल मीडिया पर अपने फैंस को कंटिन्यूसली अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं. वेल, हॉलीवुड भले ही कोरोना वायरस स्केयर के बीच फंसा हुआ है, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस पैंडेमिक की शुरुआत से ही रखा है एक्सट्रीम प्रिकॉशन. और यही वजह है कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फिलहाल इसकी चपेट में नहीं आए हैं.